वक्त आपको बुलाया जाता है कि आप आए, आपने ये सीरियल करना है, तो जब आप जाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है। अच्छा, कॉल आ गई है, मैं फिर से कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम। हां, देयर इज सम। हेलो, इंतजार फरमाइए और हम इस चीज को, आप लोग भी परेशान नहीं हुईगा, आराम से इस चीज को आप एक्सेप्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है, आई थिंक सो। ठीक है, अच्छा, आपने कभी भी अपनी लाइफ में नेगेटिव रोल्स नहीं किए? नहीं, नेगेटिव है ना, और वो चीज आपके अंदर एक आप कह लें नेगेटिव रोल मैंने किया था, एक सीरियल था, नेगेटिव इन अ सेंस है वो, इन अ सेंस इट इज कॉल्ड नेगेटिव। बोल मेरी मछली एक सीरियल था, उसमें मैं एक मेमन शेठ बना था, इसका बेटा वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर, तो वो मैं अपनी बहू के साथ बड़ी जाती वाती, और मेरी बीवी बहू के फेवर में थी, तो वो स्लाइटली नेगेटिव था, बट नॉट रियली नेगेटिव, नेगेटिव था, बट अदरवाइज आई हैव नेवर, मुझे बड़े रोल ऑफर हुए हैं कि साईं और ये और कुल्ला और तलवार और बंदूक। अच्छा, कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। गुलाम, आप पहचाने कौन है? हुमायूं है। नहीं नहीं सर, हमारे साथ राजू जमील साहब बैठे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई मुझे, और राजू हमारे बड़े पुराने साथी हैं। पहचाने? और जब हमने काम शुरू किया था तकरीबन साथ ही शुरू किया था काम। ठीक है, उल्लू गुल्लू 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 हाय राजू एंड गुल्लू, हाय, कैसे हो? हाउस मुनव्वर, बच्चे ठीक हैं? सब माशाल्लाह, सब सब माशाल्लाह ठीक ठाक। गुल्लू ने मैंने साथ काम शुरू किया, रात मुझे कहा था अपने का जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि हम ओल्ड फ्रेंड और आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो और बहुत सीनियर हो, और माशाल्लाह आपने बहुत काम किया और कर भी रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई मुझे। गुलाम गुल्लू के साथ मैं एक बात बताऊं, गुलाम मोहिद्दीन इज अ सेल्फ मेड मैन, माशाल्लाह, ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, और मैंने इस शख्स को देखा है, ही सीन द हार्डेस्ट टाइम्स, मगर इसके माथे पे मैंने एक सेकंड के लिए शिकन नहीं देखी। इसने मेहनत की, मेहनत की, मेहनत की, और जैसे कि ये दुनिया में यूनिवर्सली मशहूर है कि अल्लाह ताला मेहनत को जरूर फल देता है, जी हाँ, इसको ब्रेक मिली और इसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कॉन्कर कर लिया अपनी एक फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत से, विद बाबरा। जी हाँ, एंड हम इज्तिमाई तौर पे, मैं मोहसिन अली और हम लोग पूरा एक ग्रुप बना के फिल्म देखने गए थे सिनेमा हॉल में कि गुल्लू की फिल्म है। माशाल्लाह, कितना अच्छा लगता है ना। और उस जमाने में ना मोबाइल था ना कुछ था, और ये लाहौर ही में था उस वक्त। जी जी, आप हेलो जी, क्या कहेंगे आप राजू साहब के लिए? राजू साहब बहुत जबरदस्त पार्टिस्ट है, और माशाल्लाह जो इनकी पर्सनालिटी है, हाँ जी, तो जब ये स्क्रीन पे आते हैं अपने कैरेक्टर के साथ, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, और बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दो दिन साथ निभा रहे हैं, बैंकर भी है, माशाल्लाह, जी हाँ, भी है, जी हाँ, और दोनों को बहुत खुशी से ये निभाते हैं। वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड पर्सन, एंड वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। आपको लगता है कि वो टाइम ये तो बातें कर रहे हैं 70s की। अच्छा, he's talking about 70s, मैं ये, हम तीन दोस्त बहुत करीब थे, ये और मैं और शकील चुगता, ये आजकल अमेरिका में जो खुदा की बस्ती में जामी बना था, जी जी जी, हम तीनों बहुत क्लोज हैं। अच्छा, और जब आता है तो हम मिलते जरूर हैं। मजा आता है जब आप लोग बैठ के बातें करते हैं, तो गुड मेमोरीज को याद करते होंगे गुलाम साहब आप लोग। मैंने कहा आप लोग याद करते हैं अपनी उन गोल्डन मेमोरीज को, कौन सा टाइम सबसे ज्यादा याद आ रहा होता है? क्या देखें उस वक्त जो बीजेपी का जो माहौल था, क्योंकि चैनल था बीजेपी, वो बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड था, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी फैमिली आती थी। हाँ, राजू जमील के पास उस वक्त गाड़ी थी, पैदल होते थे, अरे वाह, बड़ा मजे का टाइम, सही, तो इनकी गाड़ी में बैठ के हम लोग वहाँ बादला बजाए, अरे वाह, बल्कि हमने एक प्ले, गुल्लू तुम्हें याद होगा, हमने एक प्ले किया था जो हम कोयले की कानों में गए थे, अरे सुतून, सुतून
जलाली साहब का प्ले था, कोयले की खानों में कराची के पास कोई एक जगह है वहाँ है, छोटी छोटी सी है, जंपीर में, जंपीर में पागल हो गया राम साहब को सभी याद है। थैंक यू सो मच सर कि आपने थैंक यू गुल्लू कराची आओ तो जरूर कॉल करना, कराची आएगा तो जरूर मेरे शो, आपने मेरे शो पर भी जरूर आना है जब आपने कराची आना है, ये आप ऑन एयर प्रॉमिस कर रहे हैं। नहीं आएगा जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुलाम मोहिउद्दीन हैज बीन ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, मुझसे छोटा है उम्र में, और बट मेरा बहुत अच्छा दोस्त। देखिए वो कितना मजेदार टाइम रहा, मतलब ये इतना बड़ा हीरो बन गया, सब कुछ हुआ, मगर जब भी मैं लाहौर जाता था तो ये दौड़ा हुआ मुझसे मिलने आता था, मैं जाता था, इसमें अपने स्टूडियो भी ले गया, शबाब स्टूडियो में अपनी फिल्म की शूटिंग्स भी दिखाई इसने मुझे, बाबरा के साथ ही कोई एक और फिल्म बना रहा था उसकी शूटिंग्स भी दिखाई, और ही इज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। और मेरा इससे कुछ ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मेरा ये कोई एक जिगर का टुकड़ा है, मतलब यू नो बेटी की शादी पे आया और बहुत यू नो मतलब एक फैमिली टच है बिल्कुल। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े हीरो हमारे मुल्क के पूरी दुनिया में पहचाने जाने, लेकिन उन्होंने इतने आराम से बता दिया कि जी उस वक्त हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, कोई कोई वो नहीं है ना कि लाइक कोई जी गाड़ी हमारे पास होती थी, हमने भी अपने अब्बा की गाड़ी पकड़ी थी। मैंने कि वो एक बहुत गोल्डन मेमोरीज वाला टाइम अच्छा थोड़े सब आपका प्रोफेशन डिफरेंट रहा, आपने एक्टिंग तो खैर आपका था ही माशाल्लाह, लेकिन बेसिकली यू आर अ बैंकर राइट? आई एम अ बैंकर, रिटायर्ड बैंकर, आई रिटायर्ड इन मे। अच्छा ठीक है, तो अच्छा इनफैक्ट नॉट रिटायर्ड, आई हैड रिटायर्ड इन 2009 अगस्त, बट I had received the extension contracts Achha. and I became Achha, the head of the call. Le lun. Ji, zarur. Assalamu alaikum. Hello. 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 अच्छा जी लाइन ड्रॉप हो गई है जी सर, तो मुझे बताएं कि जी मैं बैंक से एक्चुअली 2009 अगस्त में रिटायर हो गया, तो मेरी 14 अगस्त को सालगिरह होती है, तो 13 अगस्त को मैं रिटायर हो गया। देखें जरा सालगिरह भी कितने जबरदस्त दिन, तो मैं 60 साल का हो गया था 13 अगस्त ठीक है, और 14 अगस्त को, तो 13 को मेरी रिटायरमेंट हो गई थी, ये लॉ है कि 60 साल की उम्र में, मगर मेरे बैंक के सदर ने और मेरे बैंक के जो साथी हैं मेरे बॉसेस, उन्होंने कहा नहीं आप ठहरे, अच्छा। आपसे कुछ काम लेना है, आपका इतना यूबीएल में तजर्बा है, मैं यूनाइटेड बैंक से बैंक में, बिल्कुल। तो फिर मैं एक नए ओहदा मुझे दिया गया हेड सोशल मीडिया, अच्छा माशाल्लाह, उसके तहत फिर मैंने 2009 से 2012 की अपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहा, तो इवेंचुअली दूसरों को भी चांस देनी है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, मैंने बहुत बड़ा एक मेजर काम किया। बिल्कुल जी हाँ, आपने आपने कुछ स्टूडेंट्स 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल वो किया, पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मैं 100 से ज्यादा शहरों में गया, बैंक की तरफ से बैंक की टीम बनाई गई, यूनाइटेड बैंक ने खास तौर पे एक बेड़ा उठाया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बड़ी कसीर रकम खर्च की, मैं और मेरी टीम के दो मेंबर पूरे पाकिस्तान के 100 से ज्यादा शहरों में हम गए, हमारी डिस्ट्रिक्ट मौजूद थी, और वहाँ 135 के करीब इंस्टीट्यूशंस में मैं गया, स्कूल टू कॉलेज टू यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा कॉलेज और ये, और उनको जाके स्टूडेंट्स को बाकायदा उन्हीं की जबान में खेल कूद हंसी मजाक और सीरियसनेस के साथ बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बचत कितना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है आने वाली जिंदगी में, जब तुम प्रोफेशनली बनोगे और जाओगे, तो अगर तुमने अभी से ये आदत अपना ली, ये बचत की आदत अपना ली, तो तुम किस तरह जाओगे और फिर आगे तुम किस तरह अपने आप को मैनेज करोगे, तो ऐसा दिलाया कि तुम्हारे माँ बाप कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं, उनके ख्वाबों को पूरा करना, ख्वाबों को चकना चूर मत करना, ये यूनाइटेड बैंक की जानिब से बड़ा काम, अगर ये बचपन में सीख लें हम बचत, तो मेरे ख्याल से हमारी पूरी जिंदगी सुधर सकती है। एक्चुअली देखिए ये ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं बैंकों में उस वक्त तक कामयाब नहीं होते, चाहे किसी भी लेवल पे आए, जब तक कि उसका सरबराह उसको सीरियस ना ले, और हमारे सरकार ने जो बैंक के इशारा हो रहा है ब्रेक पे जाने, ठीक है जी चाहते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इतनी सारी बातें ना कि वाकई ब्रेक पे जाने का भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें जी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, लाइव शोज हैं तो ब्रेक बहुत जरूरी है, जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं, सुबह का खैर भाई हो गया इनकी जान तो मौत के फरिश्ते से होगी, लेकिन ये उसको भी मार दे रहेंगे,
मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी सलाहियत पे यकीन है। व्हाट्स ऑल दिस? ये क्या सब तोहफे? सबके लिए ये दूर गए थे आपके लिए तोहफे लगाते, ये कैसे हो सकता है? और मैं आपको भी नहीं भूली, आप दोनों को नहीं भूली। दो मिनट अभी दिखाती हूँ। ये है डैडी आपके लिए। मुझे पता था बड़े स्मार्ट लगेंगे, पहने से इतना अच्छा करें, दिखाएं सर। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे अंकल आप पीछे हो, पहने इसको फिट करें, अब दिखाएं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सर। अरे लगा दो लगा दो, इसको चटिल मैदान हो। वाइफ के साथ में यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बड़ी मजेदार से जा रही होगी। मेरी सुबह तो बहुत अच्छी जा रही है और बस मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। आज भी बारिश भी हो गई, उसको भी हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राजू जमील साहब जब हमारे साथ मौजूद हैं तो यकीनन हम भी एंजॉय कर रहे हैं और आप भी एंजॉय करेंगे। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि बैंकिंग कैरियर के ऊपर आपने बताया कि माशाल्लाह आपने 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को आपने बताया कि बचत, थोड़ी सी मुझे जरा बता दें कि किस तरह से हमें बचत करनी चाहिए ताकि हम अभी सीख जाएं। देखिए बात यह है, ये तो बैंक जो हैं बड़े बड़े बैंक सारे, हाँ इन पे मेरे ख्याल में मेरा तो सजेशन ये है, हाँ। स्टेट बैंक को चाहिए कि लाजम कर दे कि वो अपने बैंक की प्रोडक्ट की टीमें जो हैं उनको भेजे शहर शहर करिए करिए, और जाके स्पेशली रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं जो जमीन पे चटाई पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनको फोन करके उनको मिल के बता के बच्चों को समझा के, हाँ। के आप बचत करें, क्योंकि इसमें जब बच्चे के दिमाग में बात बैठेगी, हाँ। क्योंकि ये बड़ी टेंडर एज होती है स्कूल की, और इस वक्त अगर बच्चे के दिमाग में कोई चीज इम्पैक्टिंग तरीके से डाली जाए, हाँ जी। तो वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, क्योंकि वो बैठ जाती है उसके अंदर। तो ये जाके स्टूडेंट्स को बताएं, ये आगे जाके मुल्क की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगा। और मैं आपको बताऊं कि नई रिसर्च के मुताबिक फिजूल खर्ची से बच्चा इत्तेनाब करेगा, दूर रहेगा, एंड मैं समझता हूँ कि मैं यूबीएल बहुत कामयाब रहा है इस मामले में। स्टूडेंट्स के अंदर काफी अवेकनिंग आई है कि हाँ भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड सेविंग आल्सो, और हम क्यों ना बचाएं, हम आगे जाके अपने माँ बाप की मदद करें। मैं जब यूनिवर्सिटी में जाऊं तो मैं किताबें, अगर बाप मेरा एडमिशन करा रहा है तो किताबें मैं खरीदूं जो मैंने बचाया हो अपना पैसा, हाँ। फिर उसके लिए हम उनको प्रोडक्ट बताते हैं, हाँ। उसके लिए उनको तरीके बताते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, गुल्ले बड़े बड़े खूबसूरत, हाँ। इसमें अपने चमनी अठनिया जमा करो, जब वो 500 रुपए बन जाए तो जाके बैंक में जमा कराओ, और ये वो यू नो ऑल दैट। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि नई रिसर्च आई है कि जी 2 से 5 साल तक की एज में बच्चे का ब्रेन जो है वो 70% कंप्लीट हो चुका होता है। बिल्कुल, तो आप अगर बच्चे को बचपन से बताएंगे कि किस तरह से हमने अपनी सेविंग करनी है तो मेरे ख्याल से आगे आपके ही काम आएगा। अभी एक और कॉल पे हमारे साथ एक बड़े ही अच्छे से, मैं कहूंगी बहुत ही अच्छे एक्टर तो हैं ही जी, बहुत अच्छी से पर्सनालिटी है, मैं उनसे बात कराती हूँ। अब आपने पहचानना है कि वो कौन है, ठीक है जी? खातून है? खातून नहीं, पता नहीं, खातून तो नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जाजू आए हुए हैं? जी जी बिल्कुल, आपने पकड़ लिया इनको, यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ा आपने। ये देखिए, इन्होंने किसी को नहीं बताया इनकी दूसरी शादी हुई है, और मुझे 25 साल से इंतजार करवा रही है। ये तो बस देख सुनिए, लेकिन इनकी पहली बीवी भी देखनी है तो ख्याल से। राजू मुझे पहचानो, राजू साजिद मुझे दुख देके I got you। मैं तो आवाज ही निकाल साजिद साहब, वेल डन, जबरदस्त जी, मजा। मैं भी पता है पहले हेलो पे तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि मुझे गलत बताया गया है मेरे साथ। साजिद हाउ गुड टू हैव यू ऑन हियर ऑन टेलीफोन। राजू तुम्हारी वजह से सुबह सुबह उठना पड़ रहा है, अल्लाह तुम्हें समझेगा। नहीं साजिद इज अ वन वन कैरेक्टर, आई मस्ट से ही इज अ टोटल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। दिस गाय इज वाज बोर्न टू एक्ट, हाँ, and he gets into his role। अभी पिछले दिनों हमारे वर्ल्ड कॉल के चैनल पे वो जो पुराने प्लेज हैं उनका सिलसिला है, तो मैं इसका देख रहा था।